हेलो गाइस, तो गाइस मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ रियलमी 5i। तो गाइस हम इस वीडियो में देखेंगे रियलमी 5i का रिव्यू। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, हम देखेंगे रियलमी 5i में पबजी कैसा चलता है, उसका कैमरा कैसा है, परफॉर्मेंस कैसे देता है। तो गाइस इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस ये रहा हमारा रियलमी 5i, 4 कैमरा लगा हुआ है पीछे और AI कैमरा लिखा है इधर फ्लैश के साथ। तो गाइस हम इसका अबाउट फ़ोन चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं अबाउट फ़ोन में, देख सकते हैं अबाउट फ़ोन ये रहा 60 GB और 128 GB वेरिएंट का। तो इसका हम कैमरा अभी फ़िलहाल चेक कर लो थोड़ा, इसका फ़ोटो मैं साइड में लगा दूंगा, आप चेक कर सकते हैं कैमरा कैसा है इसका, देख सकते हैं। अच्छा लग रहा है मुझे, बुरा नहीं है। तो हम करते हैं इसको पबजी ओपन करते हैं, देखते हैं कितना फ्रेम रेट में चलता है। तो गाइस हम आ गए लॉबी में, अब दिखाते हैं आप लोगों को सेटिंग्स कितना फ्रेम रेट चाहता है एक्सेल में। देख सकते हैं इधर हाई में जा रहा है, बैलेंस में मीडियम, इसमें HD नहीं है, बस बैलेंस तक ही है। हालांकि रियलमी C3 में आप अल्ट्रा में खेल सकते हैं स्मूथ और बैलेंस में, और HDR में जाता था। ट्रेडिंग मोड में जाके देखते हैं कैसा चलता है एक्चुअल में। तो फाइनली 10 इन ट्रेडिंग मोड आ गए हम। मैं थोड़ा साउंड बढ़ा देता हूँ आप लोग सुन सके। अबे यार कोई उठा लिया फोर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जायरो बहुत ही सही चलता है कंपेयर करें तो रियलमी C3 में। इसमें जायरो नहीं है, बकवास जायरो है रियलमी C3 में, लेकिन इसमें जायरो बहुत ही सही है। अगर कोई पबजी प्लेयर है जायरो वाला तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है रियलमी 5i। लेकिन इसमें फ्रेम रेट थोड़ा कम आएगा, लेकिन इसमें GPU अच्छा दिया गया है, लेकिन प्रोसेसर थोड़ा सा कम लग रहा है। बैलेंस हाई में खेलेंगे तो आप बहुत ही सही से प्ले कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका रेजोल्यूशन ही भी बहुत सही आ रहा है, दूर दूर तक सब कुछ दिख रहा है साफ साफ। तो गाइस आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये फ़ोन कैसा लगा, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जायरो प्लेयर है तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है, अगर जायरो यूज़ नहीं कर रहे हो तो रियलमी C3 आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। तो ये था हमारा छोटा सा रिव्यू। तो गाइस देखा आप लोगों ने, तो गाइस पहली बात आता है बिल्ड क्वालिटी। तो गाइस बिल्ड क्वालिटी इतना ख़ास नहीं है, प्लास्टिक का बॉडी दिया गया है इसमें, और बात करें तो रियलमी C3 के मुकाबले एक जैसा ही फ़ोन है। और अभी बात कर लेते हैं इसका कैमरा की, कैमरा बहुत ही सही है।
इसका कैमरा सार कैमरा पिक्चर दिया गया है, सामने एक कैमरा है और इसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही सही है। मैं साइड में दे दूंगा उसका फोटो वगैरह दे दूंगा, आप देख सकते हैं कैमरा बहुत ही सही है। और हम बात करते हैं उसका परफॉर्मेंस की, गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो गाइस गेमिंग परफॉर्मेंस आप लोगों ने देख ही लिया। तो गाइस इसमें स्नैपड्रैगन 665 दिया गया है जो काफ़ी सही है, और इसमें जीपीयू बहुत ही सही दिया गया है, आप गेमिंग वगैरह बहुत ही सही से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस इसमें जायरो बहुत ही सही दिया गया है, अगर आप पबजी में जायरो यूज़ करते हैं तो बहुत ही सही परफॉर्मेंस करें, रियलमी का फ़ोन जैसे परफॉर्म करता है वैसे ही इसमें जायरो दिया गया है। और अगर आप जायरो प्लेयर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रियलमी C3 ले लें, वो कीमत भी कम है इसके इससे और वो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा देता है, आप अल्ट्रा में खेल सकते हैं स्मूथ में और बैलेंस में, और हीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता उसमें, बहुत ही सही से चलता है बस। तो गाइस इतना ही था हमारा रिव्यू। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइस कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सी फ़ोन का रिव्यू चाहिए, हम उसी फ़ोन का रिव्यू लाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।